Good morning everyone. Continuing with our next topic. Next जो हमारा है, एडवांटेजेस क्या है higher purchase system की. सबसे पहले हम देखते हैं क्या है बायर को फर्स्ट इज इजी मैथड ऑफ पेमेंट इस मैथड के अंडर जो हायर परचेजर है उसने जो भी पेमेंट करनी है वो इंस्टॉलमेंट में करनी है तो उसके लिए इजी हो जाता है गुड के प्राइस को पे करना बहुत बहुत सारी होती होती हैं वो बहुत valuable होती है। उसे आप purchase नहीं कर सकते cash में एकदम से इतनी बड़ी amount के। Even जो है है, या lower class है, जैसे जो आपके कंप्यूटर कार है वो परचेज कर सकते हैं इन वेलुएबल गुड्स को अंडर हायर परचेज सिस्टम तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इंकरेजमेंट टू सेविंग जो हायर परचेजर है उसे पता है उसे इंस्टॉलमेंट पे करनी है स्पेसिफाइड डेट पर तो वो सेव करेगा मनी पेमेंट करने के लिए इंस्टॉलमेंट की नेक्स्ट इज फ्री रिपेयर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेंडर की कि वो फ्री रिपेयर्स करेगा गुड्स की टिल जब तक उसे लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती देन आता है एडवांटेजेस टू सेलर सेलर को क्या क्या एडवांटेजेस हैं सबसे पहला इंक्रीज इन सेल्स जो लो क्लास और मिडिल क्लास के पर्सन हैं जो अदरवाइज वैल्यूएबल गुड्स को नहीं खरीद सकते कैश में पेमेंट करके और उन्हों भी वो वो गुड खरीदना चाहते हैं वो भी तो वो भी टेम्पटेड होते हैं ये गुड खरीदने के लिए रीजन बीइंग जो पेमेंट है आपको वो इंस्टॉलमेंट्स में करनी है नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन इनकम इस मेथड के अंदर जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है इंस्टॉलमेंट्स में इंक्लूडेड होता है तो ये इंक्रीज करता है इनकम सेलर की नेक्स्ट इज योर इजी रियलाइजेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट जो हायर परचेजर है उसे ये डर रहता है कि अगर उसने इंस्टॉलमेंट टाइमली पे नहीं की ड्यू डेट्स पर तो जो वेंडर है वो गुड्स को वापस ले जाएगा और जो भी अभी तक उसने इंस्टॉलमेंट पे की है वो भी फॉरफिट हो जाएगा इसीलिए वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट की करेगा टाइमली नेक्स्ट इज क्लोज रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर क्योंकि रेगुलर मीटिंग्स हो रही है बायर और सेलर की जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा एस्टेब्लिश हो जाता है नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ सेल ऑफ अदर गुड्स इस सिस्टम के अंडर जब हायर परचेजर विजिट कर रहा है वेंडर को बार बार तो वो हेल्प उसको हो जाती है कि वो कुछ और गुड्स भी परचेज कर सकता है सेम वेंडर से अगर उसे रिक्वायर्ड है नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू सोसाइटी सोसाइटी को क्या क्या एडवांटेजेस है फर्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो लोग हैं ज्यादा परचेजेस करेंगे ड्यू टू किस रीजन की वजह से क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट्स है उसमें आपको पे करना है देन इससे नेशनल इनकम एज वेल एज नेशनल प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज होगी क्योंकि आप डिमांड ज्यादा करेंगे देन नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जो इंस्टॉलमेंट है उसे पे करना ईजी है आउट ऑफ इनकम जो भी आप अर्न कर रहे हैं फ्रॉम कैपिटल गुड्स जो आप परचेज कर रहे हैं अंडर हायर परचेज सिस्टम देन ये इंक्रीज आपका करेगा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पर्सन है मिडिल क्लास के और लो क्लास के वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सकते हैं वेल्यूएबल गुड्स को परचेज करके अंडर दिस सिस्टम Then next disadvantages, क्या है है क्या क्या के के सबसे पहले को इस जो आपकी उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है तो जो हायर परचेजर है उसे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है नेक्स्ट इज फियर ऑफ रिपोर्शन ऑफ गुड्स अगर वो डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में इंस्टॉलमेंट की तो जो हायर परचेजर है वो जो गुड्स उसके पास है वेंडर उससे वापस ले लेगा और जो इंस्टॉलमेंट है जो ऑलरेडी उसने पे की हुई है हायर परचेजर ने वो भी उसकी फॉरफिट हो जाएगा तो उसे हमेशा इस चीज का डर रहेगा कि जो गुड्स है जो वेंडर है वो उसे रिप्रोसेस कर लेगा देन नेक्स्ट इज योर परचेज ऑफ अननेसेसरी गुड्स इस सिस्टम के अंडर गुड्स अवेलेबल इजीली हो जाती हैं आपको क्योंकि इजी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हो तो जो हायर परचेजर है वो गुड्स को भी परचेज कर लेता है और जिसकी बाद उसे डिफिकल्टी क्रिएट होती है इन मेकिंग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देन नो ऑनरशिप ऑन गुड्स जो ऑनरशिप है गुड्स की वो तब तक ट्रांसफर नहीं होगी हायर परचेज परचेजर को जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं कर देता तो और इन बिटवीन वो ना तो उस गुड को सेल कर सकता है ना गुड को मॉर्टगेज कर सकता है देन मेंटल डिस्टरबेंस जो हायर परचेजर है मेंटली डिस्टर्ब रहेगा ड्यू टू टेंशन की उसे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है देन डिसएडवांटेजेस क्या है सेलर को नीड ऑफ मोर कैपिटल इस मेथड के अंडर जो गुड्स हैं आप सोल्ड कर रहे हो क्रेडिट पर तो ज्यादा कैपिटल बिजनेस में चाहिए होती है। Then next is your difficulty in realizing installments. Purchase करने के बाद गुड्स को जो हायर परचेजर है अगर पेमेंट नहीं करता है इजीली इंस्टॉलमेंट में तो उसकी वजह से वेंडर को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जो Uh, आपका हायर uh, परचेजर है उससे इंस्टॉलमेंट्स निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए नेक्स्ट डिफिकल्टी इन रीपोसेशन ऑफ गुड्स जो हायर परचेज purchase है परचेजर है अगर वो डिफॉल्ट करता है इन ऑफ़ इंस्टॉलमेंट तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वेंडर के लिए वाइल रिपोसे डुइंग ऑफ गुड्स क्योंकि बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है देन मोर एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंटिंग इस सिस्टम के अंडर ज्यादा एक्सपेंडिचर आपका इनकर होता है इन मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ गुड्स देन वेयर द लॉस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ गुड्स जो डेप्रिसिएशन है एसेट्स पे जो लग रहा है वो बॉन्ड वेंडर करेगा अगर वो गुड्स को वापस ले लेता है किस वजह से क्योंकि डिफॉल्ट किया है हायर परचेजर ने इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और कई बार ये जो अमाउंट है डेप्रीशियेशन की वो बहुत ज्यादा हो जाती है किससे जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की जो उसने ऑलरेडी रिसीव की है देन डिसएडवांटेजेस क्या है सोसाइटी को जो पर्सनस है लो एंड मिडल इनकम ग्रुप के सोसाइटी के वो परचेज करते हैं अननेसेसरी गुड्स इस सिस्टम की वजह से जिसकी वजह से उनके जो अदर नेसेसरी एक्सपेंसिस हैं वो पीछे छोड़ जाते हैं उन्हें वो पीछे आ, उन्हें वो एक्सपेंसेस को वो नहीं करते हैं क्यों क्योंकि उन्हें इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट है वो करनी है और ये जो चीज है वो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए क्योंकि वो अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं जो अननेसेसरी गुड्स उन्होंने ली हुई है हायर परचेज सिस्टम के अंडर उसकी इंस्टॉलमेंट क्योंकि उन्हें करनी पे करनी होती है तो ये जो है डिसएडवांटेजेस हैं सोसाइटी को देन डिफरेंस क्या है बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस में एक्ट जो हायर परचेज सिस्टम है जो provisions है हायर परचेज एक्ट 1972 के वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं क्रेडिट सेल में जो प्रोविजन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के वो एप्लीकेबल होते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है लेकिन जो क्रेडिट सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है देन मोड ऑफ़ पेमेंट की बात करें तो जो पेमेंट है प्राइस का वो आप इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं हायर परचेज सिस्टम में जो हायर परचेजर और वेंडर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं जबकि जो पेमेंट है प्राइस की वो कैश में या फिर अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट पे की जाती है बिटवीन परचेजर एंड दी सेलर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की बात करें तो हायर परचेज सिस्टम के अंडर जो ऑनरशिप है गुड की वो सिर्फ तभी ट्रांसफर होगी जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देंगे जबकि क्रेडिट सेल्स के केस में जो ऑनरशिप है गुड्स की जब आपने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी ट्रांसफर हो जाती है देन राइट ऑफ रीपोसेशन ऑफ गुड्स की बात करें तो हायर परचेजर जो है अगर वो डिफॉल्ट करता है इन दी पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो जो वेंडर है वो गुड अपनी वापस ले सकता है और ड्यू uh, जो इंस्टॉलमेंट है उसकी रिकवरी के लिए वो कोर्ट केस भी कर सकता है लेकिन इन केस ऑफ क्रेडिट सेल जो सेलर है वो गुड को रिपोसेस नहीं कर सकता वो सिर्फ कोर्ट में जा सकता है वो भी किस चीज के लिए जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट और इंटरेस्ट रहता है उसके लिए देन रिपेयर ऑफ गुड्स की बात करें तो हायर परचेज के सिस्टम में जो ऑनरशिप है वो वेंडर के पास है इसीलिए वही रिस्पॉन्सिबल है गुड्स को रिपेयर करवाने के लिए जबकि क्रेडिट सेल में बात करें तो जो परचेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा गुड्स को रिपेयर करवाने के लिए देन राइट टू सेल और प्लेज दी गुड्स जो हायर परचेजर है उसके पास कोई राइट right नहीं है गुड को सेल करने का या प्लेज करने का क्योंकि वो ऑनर नहीं है गुड का जबकि हम क्रेडिट सेल्स की बात करें तो जो परचेजर है वही ऑनर है गुड का तो इसीलिए वो उसे सेल भी कर सकता है और प्लेज भी कर सकता है Then, आता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हायर परचेजर है वो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट गुड को वापस वेंडर को कर कर और उस केस में उसे रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्रेडिट सेल के केस में जो परचेजर है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को उसे प्राइस गुड का पे करना ही पड़ेगा देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो चैप्टर uh, में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे वहां पर यूज होने वाली है जैसे कैश प्राइस हायर परचेज प्राइस इंस्टॉलमेंट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच